दिवस है जो आदिवासियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बिलासपुर में आज विश्व आदिवासी दिवस का समारोह हो रहा है, जिससे आज रैली निकाली जाएगी बिलासपुर में। तो दिखाएंगे यहाँ आज बिलासपुर में कहाँ कहाँ रैली निकलेगा और कैसे इन लोगों की वेशभूषा होती है। तो बने रही हमारे इस वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। सकते हैं दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ बिलासपुर और यहाँ विश्व आदिवासी दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। अभी यहाँ पर रैली निकाली जाएगी, तो बने रही इस वीडियो में, आपको यहाँ का रैली भी दिखाया जाएगा। देख सकते हैं कुछ ऐसा है यहाँ का माहौल। पुरखे थे, राज किया, राजवंश, उसी का ये स्वरूप है ना। भव्यता का प्रतीक है कि आज इस प्रकार हम प्रकृति के सेवक हैं, उसी प्रकार आज हम अपने समाज को संदेश दे रहे हैं कि जो चीज़ हम भूल चुके हैं हमारी अगली पीढ़ी को बताएं देखने के। अच्छा, जैसे कि आप जो सर में पहने हो जी, उसे क्या बोलते हैं? उसे कलगी बोलते हैं। कलगी और गोंडी में से छलिंग बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बस्तर का प्रमुख मतलब श्रृंगारों में से एक है। एक्चुअल में जो ये है ना, इसको जब हम घर में या फिर कहीं देते हैं, हम बलि देते हैं ना, उसका जो मुर्गा करता है उसको धारण करते हैं। लेकिन आज क्या है, दिखावा सांस्कृतिक के परिप्रेक्ष्य में हम धारण कर रहे हैं श्रृंगार के रूप में। और बात करें इधर आप जो गले में है, ये नृत्य माला है, ये मोतियों की माला है ये। अच्छा, ठीक है, बारीक मोतियों की। और ये जो है ये सिहाड़ी है, सिहाड़ी एक पेड़ का बीज है ये। अच्छा, पेड़ का बीज है? हाँ, ये पेड़ का बीज है ये। अच्छा, इससे बहुत प्रकार की औषधि बनते हैं। तो मतलब इसको पहनने का ये आशा है कि हम प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं, अपने औषधि गुण को भी हम दिखा रहे हैं। और ये जंगली सुअर का दांत है। किसका दांत है? जंगली सुअर। जंगली सुअर बरहा बोलते छत्तीसगढ़ी में, उसका दांत है, गीजा बोलते हैं। और ये सूता है, असली बोलते हैं सूता है ये। इसको भी जब जो युवक हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट है ना, जो हम एडल्ट हो जाते हैं, उसका चिन्हारी है कि अभी शादी करने के योग्य हो गया, तो उसको धारण करवाते हैं। अच्छा, हाँ। तो शादी से पहले करते हैं या शादी के समय करवाते हैं? अच्छा, लेकिन अभी क्या है, संदेश देने के चलते इसको धारण करना पड़ रहा है। अच्छा, एडल्टहुड में इसको धारण करते हैं। तो आज जैसे कि आप लोग जो रैली निकाल रहे हो जी, तो इसके बारे में बताइए क्या कुछ होने वाला है आज? आज सर्वप्रथम देव पूजा वहाँ सम्पन्न हुआ, उसके बाद जिले के अलग अलग क्षेत्रों से रैली के माध्यम से यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं समाज वाले। अच्छा, उसके बाद एक भव्य पैदल रैली और साथ ही साथ एक आक्रोश रैली जो मणिपुर में घटना हुआ है अभी, जो ना ही पूरे समाज को बल्कि पूरा देश मानव समाज को शर्मसार करने वाले घटना है, उसी को मेन मुद्दा रखते हुए आज हम रैली के आक्रोश रैली के रूप में निकालेंगे कि आज इस इतने वर्चस्व समाज में, इतने आधुनिक समाज, देश की समाज की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, तो आज मेन थीम हमारा यही है। अभी मतलब अलग अलग जगह पे जो समाज के लोग हैं वे सभी उपस्थित जी, सब यहाँ आए हैं। ये बलौदा बाजार से, ये मंगली से आए हैं, ये मंगली बॉर्डर से आए हैं, कोई बलौदा बाजार से आया है, सब अलग अलग क्षेत्र से आके आज यहाँ। विश्व आदिवासी दिवस है जो आदिवासियों का सबसे प्रमुख त्यौहार है, यहाँ हम लोग उपस्थिति हुए हैं। अपने पूरे सभी को देख लीजिए, पारंपरिक वेशभूषा में अपनी अपनी संस्कृति को बताते हैं। अच्छा, तो बात करें ये वेशभूषा के बारे में, तो बताइए आप जो पहने हैं उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या चीज़ों को दर्शाता है? जी, ये जो है इसको रुपया माला बोलते हैं। अच्छा। और ये जो है इसे करधन बोलते हैं। हाँ। और ये जो है इसे लुगरा बोलते हैं। और ये एठी है जी, और ये नाम बोली। अच्छा, और जैसे कि उसे क्या बोलते हैं? ये है तुर्रा। तुर्रा, तुर्रा है, तुर्रा, जिसे हम अपने देवी देवता जो भी है उनको जगाते हैं। अच्छा, इनसे इनको बजा के बजाना आता है? मेरे को नहीं आता, बजा देते हैं ना। इसको एक बार ना बजा के आप बोले लीजिए। ठीक है ना, जैसे कि आज आप लोग जो रैली निकाल रहे हो उसका विजन क्या है, उद्देश्य क्या है? रैली निकालने का सबसे बड़ा विजन ये है हमारा कि हम लोग जो ये पारंपरिक वेशभूषा है जो हमारे लोग भूल चुके हैं यहाँ पे, जब भी हम गांव से उठ के शहर में आते हैं, लोग भूल जाते हैं कि हमारी वेशभूषा कैसी है, हमारी पारंपरिक क्या बोलते हैं, देव देवी देवता जो भी है वो कैसे हैं, हम यह भूल जाते हैं। तो हम अपने आप को ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं लोगों को, दिखा के कि हम आदिवासी हैं, हमारी संस्कृति आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। अच्छा। बोलो बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता, हम इस परंपरा को आगे तक, हमारी फ्यूचर, हमारी आने वाली जनरेशन वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम आशा करेंगे कि हमारी युवा पीढ़ी अभी जिस अवस्था से गुजर रही, जैसे कि आप लोग जानते हैं मणिपुर में जो हादसा हुआ है, मणिपुर के हादसे के बाद जो ये लड़कियों का चल रहा है कि लड़कियों को कभी रेप किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, उनको लेके प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर आदिवासी लोग को,
जो आदिवासी है वो भी कौन सी आदिवासी, जो जिस क्षेत्र के उसके दूसरे क्षेत्र से आई हुई आदिवासी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। भैया एक चीज याद कर लो, आदिवासी मतलब आदिवासी, कोई भी आदिवासी हो, चाहे बाहर की आदिवासी हो चाहे घर की आदिवासी, आदिवासी मतलब आदिवासी ही होता है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से रैली निकाली गई है यहाँ पर, अभी देख सकते हैं लोग की वेशभूषा कैसी है, आदिवासी वेशभूषा में अभी ये लोग रैली में निकले हुए हैं। सब जब आदिवासी बोला है